Good morning. How are you all? Great. Today our subject is Hindi. तो आज का हमारा टॉपिक है खाली जगहों में छूटा हुआ वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाओ. Write the missing letter in the blanks and make meaningful words. यानी यहाँ पे हमको ये जो आठ वर्ड्स दिए हुए हैं और ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें उसमें से चूज करके यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है. मीनिंगफुल मतलब वो शब्द हमने कहीं सुना हो, देखा हो और ऐसा मीनिंगफुल जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, ऐसा वर्ड्स हमें बनाना है. जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, फर्स्ट है ब फिलिंग द ब्लैंक्स री, यानी ब. अब यहाँ पे हम क रखेंगे कि फ, तो देखिए अगर क रखेंगे तो बनेगा ब क री, और अगर फ रखेंगे तो ब फ री. तो बकरी नाम का तो कोई हमने कहीं सुना नहीं है, हाँ लेकिन बकरी नाम का वर्ड हमने सुना है, बकरी मीन्स गोट. तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, क. सेकेंड ब त ख आएगा कि क, तो ब त ख होता है, ब त क नहीं होता है, ब त ख. नेक्स्ट इज ग डैश त, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है ग और ज. अगर हम यहाँ पे ग लगाते हैं तो ब ग त, और अगर ज लगाते हैं तो ब ज त. तो भजत नाम का कोई वर्ड नहीं बनता, हाँ लेकिन भगत नाम का वर्ड बनता है. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ग. उसके बाद घ डैश न, अगर यहाँ पे हम क लगाते हैं तो भ क न, ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता. तो यहाँ पे हम लगाएंगे ज, यानी भ ज न, भ ज न. उसके बाद प डैश डी, अगर ज लगाते हैं हम तो प ज डी, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता. पर अगर जो हम ग लगाते हैं यहाँ पे तो प ग डी, प ग डी. नेक्स्ट इज ग डैश द न, अगर न लगाते हैं तो ग न द न, ये कोई वर्ड नहीं है. पर अगर हम यहाँ पे र लगाएंगे तो ग र द न, गर्दन यानी गला. उसके बाद क डैश श, तो अगर ज लगाते हैं तो क ज श, ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है. पर अगर यहाँ पे हम ल लगाएंगे तो क ल श, क ल श. एंड लास्ट वर्ड इज ब डैश न, तो अगर यहाँ पे हम ट लगाएंगे तो बनेगा बटन, और अगर ठ लगाएंगे तो बनेगा बटन. बटन नाम का कोई वर्ड हमने नहीं सुना, लेकिन हाँ हमने बटन नाम का वर्ड सुना है, जो आपके यूनिफॉर्म में शर्ट में जो बटन होते हैं वो आपने वर्ड सुना है, तो बट न. तो इस तरह यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने दो अक्षरों में से एक अक्षर चूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया. तो आपको होमवर्क में भी ऐसे वर्ड दिए जाएंगे, तो आपको वो चूज करके आपको अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में उसको करना है. I hope you understand this topic is very easily. If you have any problem or question, so you can ask me. Thank you.